गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है हरियाली तीज, आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी हरियाली तीज। और आज मैं हरी साड़ी पहनी हुई हूँ क्योंकि आज हरियाली तीज है, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ हरा हरा पहनते हैं। हरी बिंदी, हरी लिपस्टिक, सॉरी हरी लिपस्टिक नहीं है, हरी चूड़ी है, हरी साड़ी है। और अभी मैं आपको साड़ी पूरी दिखा देती हूँ कैसी लग रही है, अभी बैक कैमरे से मैं दिखवा दूंगी। और आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी आपने जैसे देखा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ सुबह क्या बना था। आज बना था जलेबियाँ। एक्चुअली मेरे मायके में नहीं होती है हरियाली तीज, और मेरे ससुराल में होती है। और यहाँ पीहू तैयार हो आई है। हाय पीहू, हैप्पी हरियाली तीज, हैप्पी तीज। तो पीहू भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। चलिए सब बच्चों से आपको मिलवाती हूँ और हरियाली तीज सेलिब्रेट करते हैं। चलिए फिर ऊपर चल के मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये जो क्लिप है ये सुबह मॉर्निंग की क्लिप है हमारे ब्रेकफास्ट की टाइम की। और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं आज जलेबी। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, और इसमें मम्मी ने डाला है आधा कप से कम सूजी, मतलब 2 चम्मच के करीब सूजी डाल दिया है। और इसको दही डाल करके भिगो करके रख दिया था, और 10-15 मिनट रखने के बाद जब बनाने लगे तो बहुत थोड़ा सा हमने इसमें सोडा डाला है, ज़्यादा सोडा नहीं डालना है। और यहाँ देखिए ऑयल गरम हो चुका है, अब हम लोग इसको मम्मी बनाने जा रही हैं जलेबी। तो इसके लिए जो दूध वाली पन्नी आती है ना, उसी को उसमें भर के ट्राई कर रहे थे, बट नहीं बना, तो फिर ठीक से नहीं बन रहा था। तो फिर हमारे पास सॉस का जो बॉटल होता है ना, जो रेस्टोरेंट में मिलता है, उसी सॉस वाली बॉटल से बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छा ये देखिए इस तरह से बन जाता है। तो अगर आपके पास सॉस की बॉटल है तो आज का टिप यही है, आपको इस तरह से जलेबी बनानी है, बहुत ईजी सिंपल तरीके से बन जाएगी और फटाफट गर्मा गर्म आप देसी घी की जलेबी घर पे बना के खा सकते हैं। तो मेरे मायके में यहाँ पे हरियाली तीज नहीं मनाई जाती है, बट मैं हूँ यहाँ पे, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हरियाली तीज को। मम्मी उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट करवा रही हैं। और मेरे मायके में गुड़िया का त्यौहार जो होता है ना, क्या बोलते हैं, नागपंचमी, वो यहाँ पर मनाई जाती है, जो कि आने वाले 25 तारीख में है। तो उसका भी व्लॉग आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और मेरे ससुराल में हरियाली तीज बनाई जाती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मम्मी को, वो खड़े होकर के जलेबियाँ गर्मा गर्म फ्राई कर रही हैं। इधर चाशनी हमारी बन चुकी है, चाशनी बहुत सिंपल है। 1 कप अगर आप चीनी लेते हैं तो 1/2 कप पानी डाल करके अच्छे से उबाल लीजिए। उसमें 1 तार या 2 तार की नहीं होती है चाशनी, सिंपल बस जब गर्म हो जाए, हल्की सी गाढ़ी हो जाए, तो आपको बंद कर देना है। और यहाँ देखिए गर्मा गर्म जलेबियाँ हमारी बन चुकी हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कितनी सुंदर और यम्मी टेस्टी सी जलेबी लगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी जरूर बताइएगा। इंस्टेंट जलेबी है, जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनने वाली है। यहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ बन गई हैं। सबसे पहले भगवान को भोग लगाने के लिए हमने रख दिया है, और यहाँ मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ। चलिए अब गर्मा गर्म हम लोग भी जलेबियाँ खाते हैं, और सबसे पहले पीहू को खिलाते हैं। पीहू ही छोटी कन्या है हमारे घर में, तो चलिए देखते हैं कि पीहू को कैसी लगी जलेबी। हरियो कैसी है? अच्छी है। यमी? यमी। किसने बनाया? नन्नू ने। से थैंक यू। थैंक यू नन्नू। थैंक यू बेटा, वेलकम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है एल्प्स गुडनेस का।
सैंडलवुड पाउडर के बारे में रिव्यू। तो इसको मैंने यूज किया है आज आकर के घर पे अपने मम्मी के और अपने ऊपर, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है ये 100% नेचुरल होता है। आप सब लोग जानते ही हैं एल्फ्स गुडनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, और ये है चंदन पाउडर। तो चंदन पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में आप इसको अपने स्किन पे लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, फ्लॉलेस हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और आज मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई किया है, उसके बाद मैं अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो वो मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के क्या क्या क्वालिटीज हैं इसमें। तो जो इसका नेट ग्राम है वो 50 ग्राम है और जो इसका प्राइस है वो 85 रुपीज है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 इयर्स है, मतलब 2020 से लेके 23 तक है। तो काफी अच्छा शेल्फ लाइफ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और जब इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको एक ऐसा पैकेट मिलता है इसमें, ये देखिए। फिर आप पैकेट को यूज करने के बाद इसको फिर से अगेन एयर टाइट ऐसे करके बंद कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है अपने फेस पर। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे बाउल में निकाल लिया है, मैं दो लोगों के लिए ये पेस्ट बना रही हूँ और आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से निकाल लीजिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी रोज़ वाटर, आप चाहें तो आप सिंपल पानी से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, या फिर आप इसमें डाल दीजिए दूध और उसके बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं देखिए सिंपल तरीके से इसको अपने फेस पर अप्लाई कर ले रही हूँ, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया प्रोडक्ट है आपको लगा नहीं पाएंगे। ये देखिए मेरे फेस पर अच्छे से लग गया है, जब ये सूख जाएगा तो हम इसको अपने 10 से 15 मिनट पे वॉश कर देंगे। अगर बात करें इसके बेनिफिट्स की तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है और आपके फेस को शाइन देता है, और आप अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं तो ये उसको रिड्यूस करता है, और हेयर ग्रोथ में भी ये बहुत हेल्प करता है। एकदम 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेशन नहीं है और ये सभी स्किन टाइप और हेयर टाइप के लिए सूट करता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप अभी पर्पल पे चल रही है आई हार्ट ब्यूटी सेल, तो अगर वहाँ पे आप एल्प्स गुडनेस का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो अगर आप 395 रुपीज़ के ऊपर का कोई भी सामान खरीदते हैं एल्प्स गुडनेस का तो आपको फ्लैट 90 रुपीज़ ऑफ भी मिल सकता है। आपने देखा कितना इजी है, सिंपल है, आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने हाथ से यूज करिए या फिर आप चाहिए तो आप इस ब्रश से भी यूज कर सकते हैं। चलिए फिर व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग तैयार होकर के आ गए हैं छत पे, ये मेरी सिस्टर्स हैं, ये है मुस्कान, ये है खुशी, और अभी हम लोग यहाँ पे झूला झूलेंगे। उधर पीहू बैठी है साइड, वो देखिए उधर पीहू बैठी है, पीहू अपने मामा जी के साथ बैठी है, छोटे मामा। और साड़ी मैं आपको पूरी पहले दिखा देती हूँ, ये देखिए जो झूमता सावन है मुठी। तो यहाँ हम लोग अब झूला झूलना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पीहू को बिठाया है, पीहू हमारी सबसे छोटी गुड़िया है और कन्या भी है, तो सबसे पहले हमने कन्या से स्टार्ट किया है। और यहाँ पे तीनों लोग, तीनों बच्चे पीछे खड़े हैं। सबसे छोटा ओम है, छोटा भाई है मेरा, आप लोग पहले मिल ही चुके होंगे मेरे मायके की फैमिली से, अगर नहीं मिले हैं तो आप लोग ज़रूर एक बार मेरा पहले का 6 महीने पहले का मायका व्लॉग चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें सबको सब इंट्रोड्यूस करवाया है। और यहाँ एक एक करके हम लोग झूला झूल रहे हैं, अब मेरा नंबर आ गया है तो मेरी दोनों बहनें मुझे झूला झूला रही हैं। आज के दिन हरियाली तीज के दिन झूला झूला जाता है, हरे कपड़े पहने जाते हैं और मिठाइयाँ खाई जाती हैं जैसे घेवर जलेबी ये सब। तो मेरे मायके में तो होता नहीं है, बट जैसे भी हम लोग थोड़ा बहुत से सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। सिंदारा दिया जाता है, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए सिंदारा भेजा था जब मैं मुंबई में थी, तो लॉकडाउन होने की वजह से वो मेरा सामान वहाँ पहुँच नहीं पाया है, बट वो वहाँ से अब रिटर्न होकर के वापस से मेरे मायके आ जाएगा। तो मम्मी ने मुझे कैश में पैसे दे दिए हैं इस बार, जो कि मैं यहाँ पे ये सब दिखा नहीं रही। तो बस हम लोग यहाँ पे झूला झूल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और इसके बाद फिर से अभी हम लोग थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खींचेंगे।
पीहू अभी और झूला झूलने के लिए कह रही है, वो झूला झूलेगी और हम लोगों ने अभी बहुत झूला झूला और एंजॉय किया। तो अभी हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं फोटो वोटो खींच लेते हैं, फोटो शूट कर लेते हैं। लोगों ने बहुत सारी फोटोज खींची हैं और वो सारी फोटोज मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहूंगी। और यहाँ सब लोग हैं और अभी आज हरियाली थी, स्पेशल ब्लॉग था तो हम लोगों ने हरा हरा ड्रेस पहना। अभी हम लोगों ने बहुत सारे फोटो वोटो खींच लिए हैं और पीहू अभी भी झूला झूल रही है, उसको अच्छा लग रहा है। तो आज का ब्लॉग था हरियाली थी स्पेशल, जो कि अब हम लोग बंद करने वाले हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है, झूला झूल चुके हैं। तो कैसा लगा आज बताओ? बहुत अच्छा। पीहू को कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग ये ब्लॉग यहीं फिनिश करेंगे और मिलेंगे कल एक और बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर से वंस मोर हैप्पी हरियाली थी। हैप्पी हरियाली।